और मुझे आज खास तौर पे मैंने आज कहना था कि मुझे खौफ किस चीज का आ रहा है, इमरान रियाज के ऊपर। अदालत बार बार कह रही है उसे पेश करो, उसको पेश नहीं किया जा रहा। मुझे खौफ यह है कि उसके ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया, और जो तशद्दुद किया गया है अगर वो जिंदा है तो वो उस अदालत के सामने नहीं ला रहे, क्योंकि उसकी हाल जब अदालत के सामने उसकी हालत देखी जाएगी तो इसलिए उसको छुपाया हुआ है। मुझे खौफ यह है कि वो शायद जिंदा भी ना हो। और मैं आप सारी सहाफियों को कहता हूं कि पहले अरशद शरीफ के ऊपर वो रिएक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था, अब एक इमरान रियाज से ऊपर ये जो हुआ है, अगर आप इस मुल्क की सहाफी इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे तो अगली आपकी किसी की बारी आ जाएगी, क्योंकि आज कोई है कल किसी और की बारी आ जाएगी। और मैं उन आज उन सहाफियों को खास तौर पे आज मुखातिब उनसे होना चाहता हूं कि बड़ी बातें करते थे जी, यहां लिबरल इमरान खान बड़ी सख्ती कर रहा है, हम जी पता नहीं हम आजादी राय या सहाफत की जुबान बंद कर रहे हैं, जरा मुआजना तो करे कि हमारे दौर और इस दौर में क्या फर्क था। कभी हुआ किसी से ऐसे? जो एक दो दफा हुआ था सबसे पहले मैंने एक्शन लिया था। मतीउल्लाह जान तो हमारे अगेंस्ट था, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला उसे उठाया गया, अगले दिन मैंने उसे कहा रिहा करवाओ। हमने कभी कोशिश नहीं की कि सहाफियों की इस तरह किया जाए जो आज हो रहा है। मोहित पीरजादा बाहर भाग गया, साबर शाकिर बाहर चला गया, आफ्ताब इकबाल इस वक्त मुल्क से बाहर चला गया, यानी इस तरह तो कभी भी नहीं हुआ। टीवी चैनल्स को बंद कर दिया, आज ये टीवी क्यों नहीं, ये क्यों लाइव नहीं दिखा रहा? क्योंकि टीवी तो सिर्फ एक चीज देखता है, व्यूअरशिप।